Hey everyone, welcome to my channel. This is Praneet. I hope you all are doing good. Today in this video lesson, we are going to discuss follow-up questions. Yes, follow-up questions sanu sare nu bahut challenging lagde ne. I must say, hun challenging kyun lagde ne? Ede 2-3 reasons ne. Reasons ki ne, sab to pehla jede follow-up questions ne, oh thode lengthy answer karne hunde hain. Because in 5 to 6 or 6 to 7 lines se vich answer karne hunde hain. Second, फॉलोअप क्वेश्चन ने जो लास्ट पार्ट होंगे साडा स्पीकिंग मॉड्यूल का उत्ते सानू ए भी मेक श्योर करना पैंदा कि फॉलोअप क्वेश्चन साडे बहुत इंप्रेसिव जान असीं इंप्रेसिवली उन्हां नू एंड इफेक्टिवली डिलीवर करके आईए सो डैट जो एग्जामीनर है वह कंपेल हो जाए सानू एक वधिया बैंड स्कोर देने के लिए है ना. नैक्सट इज यू ऑल नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो मैं इतने कहूँगी लास्ट इंप्रेशन इज योर फाइनल इंप्रेशन. तो उन्होंने बहुत वधिया तरीके डिलीवर करके आओ. उन्होंने तुसी इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव किमें बना सकते हो. डोंट वरी गाइज, टूडे आई एम हेयर टू टेल यू ऑल दीज सच थिंग्स. केड़ियाँ टूडे विल डिस्कस फ्रेजिज, विल डिस्कस कनैक्टर्स, विल डिस्कस स्टार्टर्स जेडे तुसी यूज कर सकते हो इन योर फॉलोअप क्वेश्चन जेडे तुहानू पक्का हेल्प करेंगे. डेफिनेटली हेल्प यू गाइज टू अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर और आई मस्ट से 7 or 7+ इन योर स्पीकिंग. क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गैट स्टार्टड. हम जो फॉलोअप क्वेश्चन होंगे ने ना उत्थे सानू बहुत ज्यादा सिचुएशंस नू हैंडल करना पैंदा है. किवें? पहला सानू क्वेश्चंस मीन्स उहदे विच वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जांदे ने. दो उह सारे क्वेश्चंस साडे क्यू कार्ड दे नाल रिलेटेड हुंदे ने पर एग्जामिनर उह क्वेश्चंस इदां घुमा फिरा के सानू पुछदा कि असीं उत्थे नर्वस हो जांदे आ ते कई वार तां ब्लैंक भी हो जांदे आ. सानू आइडियाज ही नहीं आउंदे वी गो लैक ऑफ आइडिया सानू समझ ही नहीं आउंदी असीं की बोलीए है ना. कई वार तां सानू क्वेश्चन ही नहीं समझ आउंदा उपरों चला जांदा फिर सानू पुछना पैंदा कि असीं क्वेश्चन की सी प्लीज रिपीट करो. तो यह सारिया चीज़ा मैं तुम्हें दसूंगी तुम इफेक्टिव वे किस तरह उत्थे डील कर सकते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के. क्लीयर? सो नंबर वन इज जो तुम्हें क्वेश्चन वो पूछद जो तुम कोई भी फॉलोअप क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट करते हो आई रिकमेंड यू गाइज उन्होंने क्लीयर कट स्टार्ट ना करो. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल उन्हें तुम्हें क्वेश्चन पूछा वट मेक्स यू हैप्पी इन लाइफ. तो तुम स्टार्टिंग तो आई थिंक लगा के या कुछ भी या फिर म्यूजिक मेक्स मी फील हैप्पी, शॉपिंग मेक्स मी फील हैप्पी इस तरीके नाल ना स्टार्ट करो. स्टार्टिंग दे विच एक वधिया कनैक्टर वधिया स्टार्टर लगा के आओ जिहड़ा उन्हें इंप्रेसिव बनाएगा. सपोज यही क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया वट मेक्स यू फील हैप्पी इन लाइफ. तो तुम उस तरीके का आंसर किवें कर सकते हो. जनरली स्पीकिंग और फ्रेंकली स्पीकिंग एवरीथिंग दैट इज गुड फॉर मी, फॉर माई फैमिली एंड फॉर मैनकाइंड मेक्स मी फील हैप्पी. फिर अगे उन्हें स्टार्ट कर सकते हो. क्लियर? सेकेंड इज क्वेश्चन रिलेटिड टू चाइल्डहुड. हूँ चाइल्डहुड एक ऐसा पार्ट है जिदे नाल रिलेटिड सानू क्वेश्चन आते ही आते हैं. इनू तुसी इंट्रो दे विच भी यूज कर सकते हो जो इंट्रो दे विच तुहानू क्वेश्चन आते हैं. हूँ चाइल्डहुड के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सानू तो कुछ याद नहीं हुंदा चाइल्डहुड का कि चाइल्डहुड के बचपन के असीं किवें दे सी की करदे सी वह सानू सारा कुछ कौन दसदे आ. ओबवियसली साडे पेरेंट्स या साडे वड्डे एल्डर्स सानू दसदे आ. तो तुसी वो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो. आई विविडली रिमैम्बर वेन आई वॉज द चाइल्ड. आई विविडली रिमैम्बर वेन आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड. आई विविडली रिमैम्बर ऑन माई 5th बर्थडे. ठीक है? या फिर तुसी स्टार्ट कर सकते हो इफ माई मैमरी सर्व्स मी वेल और इफ माई मैमरी सर्व्स मी करेक्ट और इफ आई रिमैम्बर करेक्टली वेन आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड आई लव्ड एनिमल्स. क्लीयर? इस तरीके नाल तुसी उन्हें स्टार्ट करो. नंबर 3 जदों तुहानू एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे अबाउट योर लाइक्स योर डिसलाइक्स अबाउट हैप्पीनेस है ना इस तरीके नाल तुहानू क्वेश्चन पूछे तो बजाय तुसी उहदा आंसर स्टार्ट करो आई लव आई लाइक आई अडोर. तुसी किस तरीके नाल उहदा आंसर स्टार्ट कर सकते हो. तुसी उहदे विच वधिया वधिया फ्रेजिज वधिया वधिया वर्ड्स यूज कर सकते हो. Keen to do something, keen on something, fond of, get pleasure out of something. इन चीज़ों तुसी use करके आओ. ठीक है? I keen on एवें use करो. For example तुसी keen नू use कर रहे हो as an adjective. तुसी use कर सकते हो I keen to assist you. या फिर तुसी use कर सकते हो I was keen on going to the concert but I didn't. या फिर तुहानू उन्हें question पूछे Do you like animals? The question आया है ना. या फिर do you like colors? The question आया. I love colors. I adore colors. तुसी इनू स्टार्ट करने की बजाय कि मैं यूज कर सकते हो I'm really fond of colors. I'm really fond of reading. हुन जेड़ा fond of word है ना fond of something इनू तुसी
यूज कर सकती हूँ फॉर द लिविंग एंड फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल. आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, या फिर तुहानू किसी पर्सन रिलेटेड क्वेश्चन आया तुसी उत्थे भी यूज कर सकते हो. आई एम रियली फॉन्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ माई ब्रदर. ठीक है, लास्ट इज तुसी इनू यूज कर सकते हो, होर की यूज कर सकते हो वधिया फ्रेज, गैट प्लेजर आउट ऑफ डूइंग समथिंग. सपोज उन्हें तुहानू पूछिया डू यू लाइक रीडिंग, डू यू लाइक स्विमिंग, तो तुसी उसनू किवें आंसर करोगे. आई गैट लॉट ऑफ प्लेजर आउट ऑफ रीडिंग नॉवल्स, I get lot of pleasure out of swimming classes. Clear? Fourth is opinion based questions and that are mandatory. Bahut important hai eh wale questions nu taiyar karke jana, because these are a must kind thing. Pakka tuhanu puchega hi puchega when it comes to your follow up questions. Hun opinion based questions aaye, par tusi utthe sure nahi ho ki main positive way de vich answer karan ya mera opinion negative hona chahinda hai. Matlab ek dilemma ja chal reha hai dimag de vich, ta tusi ohnu vadhiya start kivein kar sakde ho. You could start as far as I am concerned, as far as I know, I suppose, I would imagine. Clear? सपोज उन्हें तुम्हें क्वेश्चन पूछे अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, अबाउट पोल्यूशन, तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें नहीं पता ग्लोबल वार्मिंग हूँ इनक्रीज हो रही है, अगे होएगी या नहीं होएगी, सेम वे पोल्यूशन या सेम वे क्राइम रेट या कुछ भी. तुम स्टार्ट कर सकते हो एज फार एज आई एम कंसर्नड, ग्लोबल वार्मिंग इज गोइंग टू इनक्रीज इन द कमिंग ईयर्स. है ना, इस तरीके स्टार्ट कर सकते हो. फिफ्थ इज, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, कोई अनएक्सपैक्टिड क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे सानू सारियां नूं हुंदा है कि एग्जामिनर एकदम ना सारा कुछ घुमा दिंदे, वो इन्ना अनएक्सपैक्टिड क्वेश्चन पूछता कि असी उत्थे ब्लैंक चले जाने, सानू नहीं पता लगता कि हुण असी की बोलीए. तो उस सिचुएशन ने बहुत तुसी ट्रिकी वे दे विच हैंडल करना है. उत्थे तुसी चुप नहीं रहना, नैवर कीप क्वाइट इन सच सरकमस्टेंसिस. ठीक है, उन्हों पर उत्थे तुसी उन्हों वधिया तरीके नाल हैंडल करो, चुप ना रहो, फिलर्स ना लैके आओ. किस तरह आंसर कर सकते हो? ओह दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट बट. क्लियर, सपोज उन्हें तुम्हें पूछे क्वेश्चन आ गया अबाउट इंसेक्ट्स पूछ लिया, या अबाउट वाइल्ड एनिमल्स पूछ लिया. है ना, व्हाट इज योर वाइल्ड एनिमल, टॉक मी, यू टेल मी समथिंग अबाउट योर अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. तुम्हें इस तरह ने क्वेश्चन पूछ लिए. हूँ तुम उत्ते बजाय के सोचने लग जाओ वाइल्ड एनिमल की होंगे, वाइल्ड एनिमल केड़ा है, मैं तो कभी कोई वाइल्ड एनिमल नहीं देखा. है ना, उत्ते ब्लैंक नहीं जाना, तुम उन्होंने स्टार्ट कर सकते हो. इनफैक्ट तुम दो पहला वाले भी यूज कर सकते हो, इन पहला वाले फ्रेजिज जो लाइकिंग वाले से उन्होंने भी एड ऑन कर सकते हो. फॉर इंसटेंस, आई नेवर थॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बट आई एम रियली फॉन्ड ऑफ जिराफ, बट आई एम रियली फॉन्ड ऑफ टाइगर, बट आई एम रियली फॉन्ड ऑफ ज़ेब्रा. क्लियर, तो इस तरीके ना, ओ दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ जिराफ. हूँ देखो जो तुम एक इन्ना लंबा सेंटेंस दोगे ये क्वेश्चन इंप्रेसिव तो बनेगा ही बनेगा, बट वो की होएगा, यू विल गैट फ्यू सैकेंड्स. है ना, तुम मिल जाएंगे उत्थे, मैं कहूँगी तुम उत्थे चुरा लोगे वो वाले फ्यू सैकेंड्स की सोचने के लिए, आइडिया सोचने के लिए. उत्थे तुहाडे आइडियाज भी आ जाएंगे दिमाग के विच. ठीक है, तो तुम ब्लैंक नहीं जाओगे, कोई फिलर्स नहीं आउणगे. ठीक है, प्रॉपर वे दे विच तुसी उन्हूं आंसर करके आओगे. क्लियर, सिक्स्थ इज टू अवॉइड रेपीटेशन. हूँ कई बार की होंगे असं पहला एक सेंटेंस बोल दें, फिर साड़ी आदत होंगी है कि वह सेम सेंटेंस या तो साढ़े तो बोलिया जाता है ना, या फिर सानू अगे आइडियाज नहीं आ रहे होंगे, या फिर असं फिलर्स लैने आम 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 करते हैं, या फिर असं उ सेंटेंस में दोबारा बोल दें. तो वह सेंटेंस में जो तुम दोबारा बोलना है, यू कुड इन फ्यू सिचुएशन, यही नहीं कि हर एक क्वेश्चन के विच तुसी उन्हों बोली जाओ, किसी एक अद्धे दे विच तुसी उन्हों रिपीट कर सकते हो कि उन्ने टाइम लिए तुसी आइडिया सोच सको. है ना, बट उन्हों एक क्लैवर वे दे विच किवें आंसर कर सकते हो. ठीक है, सपोज उन्हें तुहानू पुछिया डू यू लाइक कलर्स, या वट इज़ द मीनिंग ऑफ कलर्स इन योर लाइफ. जो तुसी कहो जनरली स्पीकिंग कलर्स प्ले अ पार्ट एंड पार्सल रोल इन माई लाइफ, फिर तुम्हें अगे नहीं पता लग रहा मैं की कहा. है ना, तुम उन्होंने की कर सकते हो, टू पुट इट इन अनदर वे, ये तुम यूज कर सकते हो, टू पुट इट इन अनदर वे, कलर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एवरी वन, फॉर एवरी इंडिविजुअल, फॉर एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ. क्लियर, सेम गल तो मैं कही पर उन्होंने मैं पुट इट इन अनदर वे यूज करता, तो फिर एग्जामिनर यह होएगा कि इन्हें होर तरीके रोल करता. मीनस एग्जैक्ट सेम चीज़ मैं यूज भी नहीं की, पर मैं उन्होंने क्लैवरली मोल्ड भी करता, मैं रेपीटेशन भी करती, पर उत्थे मैं एक वधिया बैंड स्कोर लई भी प्रिपेयर कर लिया अपने आप में. है ना, वट आई सपोज टू से इज, ये भी तुसी यूज कर सकते हो. क्लीयर,
70s, yes. Before moving further, jee tonu video vadhiya lag rahi hai, helpful and useful hai, please guys do subscribe to my channel. Ee situation vich sanu bahut var assi face karde haan ki question examiner ne bolya sanu samajh nahi aaya, hai na? Us situation de vich I highly recommend you guys ki bajaye tusi answer galat karo, instead of giving a wrong answer, tusi ki karo examiner nu polite way de vich answer, question repeat karan de layi request karo. ठीक है, उत्थे तुसी कैजुअल वे दे विच बिल्कुल भी गल नहीं करनी, फॉर्मल वे दे विच तुसी गल कर सकते हो, कैन नहीं यूज करना, तुसी कुड यूज कर सकते हो, है ना? एग्जामिनर नू भी मतलब ये चीजें एग्जामिनर नू गंदियां नहीं लगनगियां, ये नहीं होगा कि एग्जामिनर नू एक मीन्स बैड इंप्रेशन पाएगा. मैं बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने बहुत डाउट्स होंगे कि मैम जी सानू क्वेश्चन समझ नहीं आया तो असं रिपीट उन्हों करने लिए कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ओबियसली तुसी कह सकते हो, बिकॉज वो थोड़ी कॉन्वर्सेशन हो रही है, कोई तुसी रट्टा मार के नहीं गए, या फिर कोई है ना वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं है जिथे रिपीट नहीं होएगा, तुसी बिल्कुल कह सकते हो, बट इट शुड बी इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे दे विच कह सकते हो. हुण तुहानू क्वेश्चन समझ नहीं आया, तुसी एग्जामिनर नू किद्दां कहोगे कि उन्हों तुसी प्लीज रिपीट कर दो? तुसी कह सकते हो सॉरी आई डिडंट कैच द क्वेश्चन, सॉरी कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, सॉरी कुड यू प्लीज से इट अगेन. इस तरीके नाल तुसी उन्हां नूं यूज कर सकदे हो. सो गाइज, दीज वर ऑल द फ्रेजेस, कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यस, तुसी इन्हां नूं प्लीज यूज करो जे तुसी चाहुंदे हो, और इफ यू आर एमिंग टू अचीव 7 और 7+, ये चीजा तुहानूं बहुत हैल्प करनगियां स्पीकिंग दे विच. ये चीजा ने मैनूं भी बहुत हैल्प कीती इन अचीविंग 8 इन स्पीकिंग. ठीक है, तो यूज करो एंड यस, हैल्पफुल है, तुहाडा बैंक स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है, या फिर तुसी खुद इंप्रूवमेंट नोटिस कर रहे हो डे बाय डे इन योर सेल्फ. प्लीज कम एंड डू राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन. क्लियर? सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.